द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल यानी शनिवार 16 मार्च को ऐलान होगा। चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। खुद चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम इसे किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव का ऐलान होगा। चुनाव कितने चरणों में होगा ये तो कल ही साफ होगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना है। संभावना है कि शनिवार को चुनाव आयोग इन राज्यों के चुनाव का ऐलान भी कर देगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं ये भी तस्वीर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड से आए चंदे का डेटा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फिर से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया, बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर आखिर क्यों नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि बॉन्ड खरीदने और किस पार्टी ने भुनाया इसकी तारीख बतानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SBI ने चुनाव आयोग को डेटा तो दे दिया है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी में अपलोड करने के लिए ये डेटा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि किस दानदाता ने किस पार्टी को चंदा दिया। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 18 मार्च को होगी। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेता इस मामले में BJP और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ BJP को गए हैं। 60% 60% BJP को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जो जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहां कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब बिल्कुल। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। देश भर में 15 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए की कटौती कर दी गई है। नई कीमतें देश भर में लागू हो गई हैं। राजस्थान की जनता को पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त खुशखबरी मिली है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम पर VAT भी 4% कम कर दिया है। इससे पेट्रोल 1.40 रुपए से लेकर 5.30 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं डीजल 1.34 रुपए से लेकर 4.85 रुपए तक सस्ता हो गया है। नई कीमतों के मुताबिक अब दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हो गया है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपए और डीजल 92.15 रुपए प्रति लीटर है। देश भर में पेट्रोलियम कंपनियों ने कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की समीक्षा करने के बाद ये फैसला किया है। ये तो बहुत बेनिफिट है इस समय पे, क्योंकि हम लोग हैं रोज के चलने वाले हैं, इसलिए हमें तो गाड़ी में डीजल डलना ही डलना है हमारा, तो हमें बेनिफिट मिलना है इसमें से। लगभग कितना बेनिफिट रोज का होगा? रोज का सर मान लीजिए कम से कम 200-300 रुपए तो बचेगा ही बचेगा कम से कम। अच्छी बात है, घट गई तो हमारे को थोड़ा फायदा मिलेगा और लोगों के लिए भी फायदा है। कम है तो जिसकी कम है उसके लिए तो फायदा है। मैं रोज पेट्रोल डलवाता हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। 2 रुपए में भी बहुत फायदा हो जाता है, 2 रुपए कम होने में भी और ज्यादा थोड़ा पेट्रोल। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। CAA लागू होने के बाद इस पर रोक लगाने की मांग चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए राजी हो गया है। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका भी शामिल है। 2019 से सुप्रीम कोर्ट में दायर 200 से अधिक याचिकाओं में CAA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
इन कई याचिकाओं के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई का आग्रह किया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मामला 19 मार्च को सुना जाएगा। देश भर में CAA लागू होने के बाद सियासत तेज है। कई राज्य कह रहे हैं कि वो इसे लागू नहीं करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। जबकि चैनल पर कहना चाहता हूं, CAA के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है, इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले इस स्थिति। लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में फिर भरी है हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रचार करने पहुंचे। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में विपक्षी गठबंधन के घोटाले गिनवाए और कहा कि इसकी सूची बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। तमिलनाडु के लोग इस चुनाव में पुराना रिवाज बदलने जा रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार DMK और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़ देगा। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दोहराया। एक प्रयास आपके आशीर्वाद से सफल होगा। क्या आप लोग इसको डाउनलोड करके तमिल में मेरे मन की बात सुनेंगे? तो ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ सोमवार को फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।